अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में जल्द आने वाला है। अगर आप प्रीवियस बात करें तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ओप्पो F21 Pro से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कमिंग सून 11 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है ओप्पो की तरफ से आपको F21। सर, आज की इस वीडियो में हम जिस स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं वो भी ओप्पो की ही तरफ से आता है, लेकिन वो ओप्पो के सब ब्रांड Realme की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस स्मार्टफोन की बात करूं तो इसका नाम है Realme 9। अभी ये पाकिस्तान में भी लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है इसी साल के एंड तक ये लॉन्च हो जाए। अभी ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसी साल में आपको आने वाली गर्मियों के एंड तक ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, जुलाई अगस्त तक। अभी स्मार्टफोन के स्पेक्स की बात करें तो ये भी काफी ओप्पो F21 Pro से मिलते जुलते हैं, लेकिन चूंकि Realme के फोन है तो Realme के फोन शुरू से ही ओप्पो से थोड़े से कम प्राइस में रहे हैं। ओप्पो के स्मार्टफोन की प्राइस हमेशा से थोड़ी सी ज्यादा रही है Realme के स्मार्टफोन से, लेकिन दोनों ही चूंकि एक ही ब्रांड है ओप्पो की तरफ से आता है Realme भी। अगर बात करें Realme 9 की तो ये आपको एक्सपेक्टेड है 40 की रेंज में देखने को मिले। अब जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है ना, वो इस प्राइस के लिहाज से बहुत ज्यादा हैरान कन है। मैंने भी पहली बार सुने तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुआ था। स्मार्टफोन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर स्मार्टफोन की हम फीचर की बात करें तो 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन से, साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले और फ्रंट पे फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें कैमरास की, स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये Realme का फोन है तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, जबकि Oppo का अगर स्मार्टफोन होता तो Oppo में शुरू से ही आपको फ्रंट कैमरा में मेगापिक्सल ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके भी आपको कैमरा रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिलेगा क्योंकि ये Oppo का ही कैमरा है, लेकिन चूंकि सब ब्रांड है तो इस वजह से थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी एक्सपेक्टेड है स्मार्टफोन में, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको USB टाइप सी वाली चार्जिंग देखने को मिलेगी और हेडफोन जैक इस स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा। अब स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 680 का न्यू प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आपको देखने को मिलता है, तो आपको परफॉर्मेंस इससे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। एक मिड रेंज के हिसाब से आपको ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन से। इसके अलावा इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, तो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर स्मार्टफोन के आपको स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो इसके अंदर 8GB और 6GB वाले दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, साथ 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। अभी स्मार्टफोन में कंफर्म नहीं है कि 256GB भी आपको देखने को मिले, लेकिन अब चूंकि हर कंपनी 128 दे रही होती है इस प्राइस रेंज में, तो एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर भी आपको 128GB ही स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट पे फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप ये स्मार्टफोन जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सर, ये था आज का स्मार्टफोन। अभी एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी मार्केट में जल्द लॉन्च हो जाए, जिसके साथ देखना पड़ेगा कि ये Realme का स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट को किस तरह से कैप्चर करेगा। अब जो लीक्स देखने को मिल रही है वो Infinix की तरफ से भी देखने को मिल रही है कि Infinix अपना कोई फोल्डेबल फोन बना रहा है। इसके अलावा जैसा कि सारे जानते हैं यार, Infinix शुरू से हमेशा मिड रेंज की टारगेट करती है, मिड रेंज के जितने भी कम्युनिटी होती है उनको टारगेट कर रही होती है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो Infinix का फोल्डेबल फोन आपको देखने को मिले वो मिड रेंज में कहीं देखने को मिले। अब ये देखना पड़ेगा कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा और कब किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। जैसे इससे रिलेटेड और ज्यादा हमें लीक्स मिलेंगी तो उससे रिलेटेड भी हम आपसे साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारा हनटेक का पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।